हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य में भी अब महिला उत्पीड़न के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में बीजेपी सरकार ने महिलाओं के सम्मान देने का जो नारा चलाया था, वह इन आंकड़ों के आगे विफल होता नजर आ रहा है। कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस की सचिव इंदु पटियाल ने कहा कि जयराम सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म में 130 मामले व महिलाओं से छेड़छाड़ के 200 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश भर में पुलिस थानों में घरेलू हिंसा के भी 90 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों से पता चलता है कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सम्मान देने के प्रति कितनी गंभीर है। इंदु पटियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात तो करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालात इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रदेश में इन दिनों सेब का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हाल बहुत खराब है, जिस कारण बागवानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खराब सड़कों के कारण बागवान समय पर अपने कृषि उत्पाद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें अपने उत्पाद का सही दाम भी नहीं मिल पा रहा है। इंदु पटियाल ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी में योगी सरकार द्वारा रोके जाने मामले की भी कड़ी निंदा की। इंदु पटियाल ने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहा है और विपक्ष को भी अधिकार है कि वह पीड़ित लोगों से मिल सके, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा प्रियंका गांधी को नजरबंद किया गया, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। जो 1.5 वर्ष के आंकड़े देखिए, उसमें जो है 130 मामले बलात्कार के और 200 मामले महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ के और 90 मामले घरेलू हिंसा के प्रदेश के विभिन्न थानों में जो है दर्ज हुए हैं। ये ताज़ा आंकड़े हैं और सबसे दुख की बात ये है कि इन मामलों में जो अपराधी लोग हैं उनको पकड़ने की बजाय उनको संरक्षण दिया जा रहा है और जो महिलाएं भुक्तभोगी हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको जो है उल्टा तंग किया जा रहा है कि वो जो है केस को वापिस ले लें या केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते हैं कि पलम का सीजन खत्म हो गया है और नाशपाती का सीजन भी खत्म होने के कगार पर है और सेब का सीजन जो है शुरू हो गया है। आज मैं देखती हूँ स्थानीय मंत्री जो हैं और स्थानीय जो भी बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, वो जो है स्थानीय व्यवस्था जो बागवानों के लिए किसानों के लिए बनाई जानी चाहिए उस व्यवस्था को बनाने की बजाय जो है संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। फुल अपडेट के लिए अजय ठाकुर की रिपोर्ट।